Hello people, hope you are doing good. So today's video is about a creature जिसको आप लोगों ने पक्का देखा होगा कहीं ना कहीं, whether it's on TV or whether it's live in front of you, but पक्का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा. Yes, this video is all about taking care of peacocks. बहुत सबको लग रहा है ये पीकॉक नहीं होगा, बट या दिस इज अ पीचक. सो बेसिकली पीकॉक के बच्चों को पीचक कहते हैं. एंड राइट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी वेदर इट्स अ पीकॉक और अ पी हेन. तो अभी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल, एंड विदाउट डीएनए इट कांट बी डिटरमाइंड वेदर इट्स अ पीकॉक या पी हेन. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. पहली बात लोग पूछते हैं इज इट लीगल टू कीप पीकॉक. तो अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पीकॉक इज अ नेटिव एनिमल एंड वो इलीगल है रखना. इज अ नेशनल बर्ड एंड इट्स कम्प्लीटली इलीगल टू कीप पीकॉक्स. अब आप लोग पूछ रहे होंगे तुमने क्यों रखा है, वाई आर यू डूइंग ऑल दीज इन इलीगल एक्टिविटीज. तो बात ऐसी हुई कि अराउंड 5 days बैक एक अंकल ये मेरे घर पे छोड़ गए बिकॉज ही न्यू कि मैं बहुत सारे पेट्स रखता हूँ. एंड इनमें से एक इंजर्ड था जिसके थोड़ा सा नोज के साइड से ज़रा सा स्क्रैच लगा हुआ था. तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये अपनी मम्मी से अलग हो गए होंगे एंड इनको क्लोज अटैक कर रहे थे. तो दैट्स द रीज़न दे आर विद मी राइट नाउ. एंड टुडे ओनली आई एम गोइंग टू गिव देम टू फॉरेस्ट ऑफिशल्स. I am going to Asola Wildlife Sanctuary and I have already talked to these officers and ये बाकी की अपना life वो spend करेंगे. and अगर ये अच्छे से train हो जाते हैं तो इनको wild में release कर दिया जाएगा वापस से. Now talking about how to take care of them. First of all I'll just tell you guys कि please keeping them looks very fascinating and बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है that you have a peacock at home. But please don't try this because you are playing with somebody's life. अगर आपको पता ना हो क्या इसको देना है क्या नहीं देना है. अगर आप इनको कहीं पर भी देखते हैं injured position में, then तुरंत अपने nearest wildlife forest department को call करिए so that they can give them a good care and ये अच्छे से बड़े हो पाए. because a lot of time पीपल थिंक के वो अपना इनकी देखभाल कर लेंगे, बट वॉट हैपन्स इज दैट अच्छे से केयर ना करने की वजह से ये मर जाते हैं. टॉकिंग अबाउट द केयर, बहुत बार ये होता है कि इनको जल्दी से मतलब आपको मिला हो एंड आप नहीं ऑफिसर्स को दे पा रहे हो. तो वॉट यू कैन डू इज आई विल टेल यू राइट नाउ. पहले तो यू नीड अ बिग एनक्लोजर. तो ये अभी एक छोटा सा केज है अराउंड 2.25 feet का. दिस इज़ समथिंग जिसमें इनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. आई एम ओनली कीपिंग देम इन दिस बिकॉज अभी आई एम गोइंग टू गिव देम टू द फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन असोला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. बाकी दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एनक्लोजर एंड अगर आप देख पा रहे हैं तो देर इज़ अ पेपर, क्योंकि इनके पैर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं एंड एट दिस एज इनके लेग्स बहुत ज़्यादा टेंडर होते हैं. अगर ये इस केज के अंदर फंस जाए तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है कि इनका पैर टूट सकता है. एंड अगर वो हो जाए तो ये लाइफ लॉन्ग कभी भी वाइल्ड में रिलीज नहीं हो पाएंगे एंड इनकी पूरी लाइफ एक पिंजरे में चली जाएगी इन अ जू और समवेयर. या ऐसा भी हो सकता है कि ये मर जाए. तो प्लीज़ डू नॉट कीप देम इन केजेस एट ऑल. टॉकिंग अबाउट देयर हैबिटेट, इनको कैसे रखना है. आपको वार्म लाइट थोड़ी चाहिए सिंस दे आर चिक्स एंड इनको थोड़े से बड़े इन्क्लोजर में चाहिए. लाइक ये मेरे रूम में टोटली फ्री घूमते थे एंड बहुत प्रॉब्लम करते थे बिकॉज एट दिस एज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मदर. तो आप जहाँ जहाँ जाओगे दे विल जस्ट फॉलो यू. सो इफ राइट नाउ आई गो देयर तो ये भी मेरे पीछे आएंगे बिकॉज दे थिंक दैट आई एम देयर मदर. अब प्रॉब्लम क्या होती है, पूरे रूम में आपकी गंदगी होगी एंड पूरे टाइम ये ऐसी साउंड्स निकालते रहेंगे. अगर आप देख रहे हो कि ये चिक्स बहुत ज़्यादा साउंड निकाल रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है देन उसके 3-4 रीजन होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रीज़न होता है दे माइट ट्राई टू कम्युनिकेट विद देयर मदर. तो क्या पता अपनी मम्मी को बुला रहे हो जो बेसिक होता है. बट अगर ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं देन दे माइट बी अ रीज़न फॉर इट. या तो इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी या तो इनको कुछ ज़्यादा अनसेटलिंग लग रहा होगा अपने एनवायरमेंट में. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट.
थोड़ा सा आपको इनका वॉर्म रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ठंड में इनको बहुत जल्दी निमोनिया हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो उसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट वेदर, अगर आपको दो तीन चिक्स मिलते हैं, जैसे मुझे दो मिले थे, तो इनको साथ में रख सकते हैं, तो इट्स एन एब्सोल्युटली नो। आपको साथ में रखना है तो यू शुड ऑलवेज बी देयर, एंड अगर इफ़ यू आर नॉट देयर इन द रूम और इन द एरिया वेयर यू हैव केप्ट देम, देन प्लीज डोंट कीप देम टुगेदर, बिकॉज एट दिस एज ये इनको वाइल्ड में आदत होती है, जहाँ पर भी चलते रहेंगे ये उधर पैक करते रहेंगे, तो ये ग्रास में लीव्स में अपना प्रे ढूंढते रहते हैं, सेक्स ढूंढते रहते हैं, तो इनको पैकिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो ये एक दूसरे को पैक कर करके मार भी सकते हैं, एंड अगर मारे ना तो इंजर कर सकते हैं, एंड इस एज में थोड़े टेरिटोरियल भी हो जाते हैं। बड़े मेल पीकॉक्स कभी साथ में नहीं रह सकते, वो एक दूसरे को इतनी गंदी तरीके से मारेंगे कि एक उनमें से कोई मर भी सकता है। तो सिमिलरली ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, इनकी लड़ाइयाँ बढ़ रही है, दैट्स व्हाई आई हैव सेपरेटेड देम। इसको मैं रात में इसमें रखता था, दूसरे वाले को दूसरे में रखता था, बिकॉज रात में इनको खुला इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि किसी का पैर पड़ जाए, या ये किसी ऐसे मेरे पेट के एनक्लोजर में चले जाए, जैसे टर्टल हो गया, या किसी एक्वेरियम में गिर जाए, तो वो इनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो टॉकिंग अबाउट द फूड, पहला बेसिक चीज़ होती है फूड रिक्वायरमेंट। इनका आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये कितना ज़्यादा खाते हैं, इनको पूरे दिन खाना चाहिए, एंड इनके एनक्लोजर में हर समय खाना रखा होना चाहिए जिसलिए इनको जब भी भूख लग सके ये खा सके। तो आपको इनको कैसे खाना देना है मैं सिंपली आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा एलिवेटेड जगह पे खाना रखना है, एंड आपको पानी इनका पूरा क्लीन 24/7 होना चाहिए, जो हर थोड़ी देर में आप चेंज करें उसको भी एक एलिवेटेड जगह पे रखना है। रीज़न भी ये बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, इट्स नेचुरल, हर बर्ड के चिक्स ऐसे करते हैं, एंड अगर ये खाने वाने पे अपने कर दे तो ये उसको भी खा लेंगे, एंड उससे इनको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो प्लीज़ इफ़ यू आर फीडिंग पीकॉक चिक्स, मेक श्योर कि आप उसको थोड़ा एलिवेटेड जगह पे रख रहे हैं, सो दैट ये अपना ढंग से मतलब खा सकें एंड इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टॉकिंग अबाउट द फीडिंग क्या आप इनको क्या खिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरे पास आए थे तो आई गेव देम ब्लड वर्म्स, एंड मेरे पास थोड़े ड्राइड सुपर वर्म्स से, तो आई गेव देम दैट बिकॉज इन द वाइल्ड पहली बात तो दे आर टोटली ओमनिवोर्स, तो इनको एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, बिकॉज इन द वाइल्ड इनकी वेजिटेशन कंटेंट थोड़ा कम होता है, एंड मोर दे आर मोर ऑफ इंसेक्टिवोरस आर दिस एज, एंड जैसे जैसे बड़े होते हैं देन दे स्टार्ट ईटिंग स्मॉल प्रेज लाइक स्नेक्स हो गए, रोडेंट्स हो गए, इवन अदर बर्ड्स, तो फिर इसलिए आपको इनको एक हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है, एंड इनका जो डाइट होती है आपको एक बहुत ज़्यादा मिक्सड वेरिएशन के साथ देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इनको मैंने बनाना फीड किया था फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मैंने इनको कैरेट्स फीड किए थे, इन्होंने बहुत कम खाया कैरेट, तो आपको देखना पड़ेगा बिकॉज एवरी बर्ड इज़ डिफरेंट। तो इफ़ फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वन इज़ ईटिंग कैरेट्स, दैट वन वॉज इन ईटिंग कैरेट, तो आपको देखना पड़ेगा कि विच वन इज़ फीडिंग और नॉट। सबसे बेसिक चीज़ जो आप इनको खिला सकते हैं, क्योंकि आई नो मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, दैट्स वाई आई हैड ब्लड वर्म्स एंड सुपर वर्म्स, बट बहुत बार ये होता है दैट यू डोंट हैव दैट फूड जो इनको चाहिए होता है, तो आई जस्ट टेल यू द बेसिक फूड आइटम्स जो हर समय मिल जाएंगे, एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ यू हैव रेस्क्यूड अ बर्ड, मतलब इफ़ यू हैव रेस्क्यूड अ पीचक। तो द फूड आइटम्स आर, पहले तो एग्स, आई ऑल्सो एड अ वीडियो जिसमें ये एग्स खा रहे हैं। इसके अलावा एग वाइप्स को आपको बहुत छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे, एग योक को बहुत छोटे छोटे पीस करने पड़ेंगे, एंड वो ये बहुत आराम से खाएंगे। सेकेंडली अगर ये भी नहीं होता है आपके यहाँ एंड आपको बहुत इमरजेंसी है, एकदम लास्ट केस सिनेरियो, डोंट कीप दिस एज एन ऑप्शन, बट अगर कुछ भी नहीं होता है एंड लास्ट रिसॉर्ट है, यू कैन फीड देम ब्रेड। रोटी बहुत बारी ये लोग नहीं खाते, बट ब्रेड इज़ समथिंग जो ये लोग खा लेते हैं, बिकॉज दीज डेज इफ यू गो आई स्टे इन दिल्ली, एंड अगर आप डेयर पार्क एंड ऑल में जाओगे, पीपल डू कीप ब्रेड्स एंड ऑल फॉर स्क्विरल्स, बट आप उधर अक्सर देखोगे कि पीकॉक्स खा रहे होते हैं, तो वो इनका एक बन गया है, मतलब ऑर्गेनाइज डाइट हो गया, जो इनका होना नहीं चाहिए, बट
हाँ हो गया, बट उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो इनके आगे जाके ज़िंदगी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसलिए कीप दैट एज अ लास्ट रिसॉर्ट। अगर कुछ नहीं खा रहे हो उससे पहले आप और बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। आपको बहुत अजीब लगेगा, मेरे घर वालों को भी लग रहा था। आई गेव देम चिकन बिकॉज अभी वाइल्ड में इफ दे वुड हैव बीन विद देयर मदर, तो इनको बहुत सारा ऐसे प्रोटीन कंटेंट मिल रहा होता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मील्स। इनकी मम्मी इनके लिए स्नैक्स ला रही होती है, वर्म्स ला रही होती है, ये उसको खा रहे होते हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल। वाइल्ड में भले ही ये चिकन नहीं खा रहा होता बट आई कॉन्ट फीड देम स्नैक्स, तो इसलिए घर पे मैंने इनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में चिकन दिए थे एंड इन्होंने बहुत आराम से खाए, बहुत अच्छे से खाए एंड दे रियली एंजॉयड। तो आई हैव ऑलमोस्ट टोल्ड यू एवरी थिंग अबाउट देम एंड प्लीज इफ यू फाइंड एनी बर्ड जस्ट रेस्क्यू देम, एंड अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम प्लीज गो टू योर नियरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, टॉक टू द फॉरेस्ट रेंजर्स, उनके पास अक्सर एवरी होती है एंड वो उधर काम वाम कर पाते हैं, मतलब अच्छे से रख पाते हैं। तो प्लीज़ डू दैट, एंड अगर आपको लगता है आप अभी नहीं टेक केयर कर पा रहे, आप उनसे टच में नहीं आ पा रहे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट वन रेस्क्यूअर, एनी रेस्क्यूअर, और यू कैन इवन कॉन्टैक्ट मी, आई विल गिव यू माई नंबर। एंड बाकी या आई लीव देम एट अ सोला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, आई मेक अ वीडियो एंड आई ऐड दिस एडेड टू दिस वीडियो, सो या स्टे ट्यून्ड। Thank you.